मेरा नाम प्रिमरोज सैम्यूल्स है, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में मैं एक स्कूल टीचर हूँ और हम ये वॉइस एशिया सुनते हैं रोज़ सुबह और उससे हमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो कि मैसेज बहुत अच्छा होता है और उससे बहुत इनक्रेजमेंट मिलती है और ख़ासकर जो टेस्टमनीज़ होती हैं। और दूसरी बात अच्छी लगती है कि वो ना सिर्फ रिलीजियस है बल्कि अच्छे म्यूज़िक सुनने को भी मिलता है और दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। और उसी पे हमें ये पता चला था कि ये रोड शो भी होगा और हम उसके लिए ख़ास आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर उनका ड्रामा जो था वो बहुत ही मज़े का था और मैसेज उसका बहुत अच्छा था। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मैं यहाँ पर यूके में किसी कन्वेंशन के लिए आया था और यहाँ पर मेरे को प्रभु ने एक मौका दिया कि मैं द वॉइस एशिया के ऑफिस में आ सका, क्योंकि मैं जब इंडिया में था तो मैंने एक वहाँ के यूपी स्टेट के अंदर मैं एक बार गया था तो वहाँ पर कुछ ऐसे बैकवर्ड्स एरिया थे जहाँ पर कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकती है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर नहीं है और काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। तो वहाँ पर लेकिन एक चीज़ को मैंने देखा कि वहाँ पर द वॉइस एशिया का जो रेडियो प्रोग्राम है वो चल रहा था और लोग उसे बहुत ही ध्यान लगा करके सुन रहे थे। और वहीं एक गांव के अंदर ही नहीं, जहाँ पर मैं गया कि लगभग वहाँ के मैंने 7 गाँव के अंदर इधर उधर जा करके लोगों से मुलाकात करी, तो वहाँ पर द वॉइस एशिया का जो प्रोग्राम था वो लोग उसे सुन रहे थे और लोग उस प्रोग्राम को सुनकर बहुत से लोगों ने अपने जीवन जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह को समर्पित किए हैं और लोग उसी रेडियो प्रोग्राम को सुन करके हर रोज अपना जो उनका स्पिरिचुअल लाइफ थी उसमें वो बढ़ रहे थे। और मुझे इस चीज़ का देखकर ताजुब हुआ कि जहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन उस एरिया के अंदर प्रभु का जो वचन है द वॉइस एशिया रेडियो की तरफ से वहाँ पर पहुँच रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खुदावंद यीशु मसीह के काम में कि इतना बड़ा काम हो रहा है। जहाँ पर कि रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उस द वॉइस एशिया के जरिए वहाँ पर लोगों में पहुँच रहा है और लोगों के जीवन में बहुत आय से काम कर रहा है। मैंने वहाँ पर ऐसे बहुत से लोगों को पाया, कुछ पंडित लोग थे जिन्होंने जनेऊ तक पहन रखे थे लेकिन फिर भी उन्होंने रेडियो से सुन करके अपने जीवन खुदावंद को समर्पित किए थे। और बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पर जो लेडीज थी जब प्रोग्राम आता था वो काम को छोड़ करके उस रेडियो के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे लोग और बैठ जाते थे कि प्रोग्राम आने वाला है। उनकी तैयारी पहले से रहती थी कि खुदावंद के वचन को सुनने के लिए वो इतने उतावले हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ द वॉइस एशिया का कि जिन्होंने इतने बड़ी उपलब्धि पाई है और बहुत सी वो आत्माओं को जीत रहे हैं। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।